सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 मई 2021 गुरुवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु देव की कृपा से आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 13 मई 2021 दिन गुरुवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 3:06 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 5:39 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की तृतीया नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह रात्रि के 2:40 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 5:45 तक चलेगा और इसके उपरांत मृग शीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो अति गंड नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक अगले दिन के रात्रि के 12:51 तक चलेगा और इसके उपरांत सुकर्मा नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय यह सुबह के 5:50 पर और चंद्र अस्त का समय शाम के 6:55 पर होगा और चंद्र उदय सुबह के 6:42 पर और चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 8:27 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजित मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा और शुभ समय की बात करें तो यह दोपहर 2:01 से लेकर ठीक दोपहर 3:39 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनुमान गलत हो सकता परंतु अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन के सीख है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना मान लेता है। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशिफल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपके डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। मेष राशि जातकों के लिए हम बताना चाहेंगे, कार्यस्थल पर अंतिम मिनट में लिए गए निर्णय कार्यशैली में बदलाव ला सकती हैं। आपको बता दें, इस दौरान आज आप में से कुछ बहुप्रतीक्षित सफलता प्राप्त करेंगे और आज आप प्रतिबद्धताओं से घिरे भी रह सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना है, किंतु शुभ स्वास्थ्य हेतु तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें और
आज आपको परिवार और व्यापार में संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको बता दें, इसके साथ आज समाज में आपकी भूमिका रिश्तेदारों के लिए सहायता या अन्य कार्यों में भी सक्रिय होंगे। मेष राशि जातकों के लिए अगर लव लाइफ की बात करें तो आज आपके नए दोस्त बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी भी बहुत दिनों से बात चल रही है तो वो भी दोस्त आपको बहुत करीबी आ सकता है, बहुत ज़्यादा क्लोजिंग हो सकता है। आपको बता दें, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उससे आपको सावधान और बच के रहना होगा, और हो सके तो बातों को खींचने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा झगड़ा जो है वो बड़ा हो सकता है और बड़ा विवाद भी हो सकता है। आपको बता दें, इसलिए आप घर के निर्णय सावधानी से लें, किसी भी तरह के मतभेद से बचना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ सकता है, क्योंकि ये किसी बड़ी लड़ाई का कारण भी बन सकता है। इसमें आपको बेहतर होगा कि आप अकेले में समय बिताएं और हो सके तो उन लड़ाइयों से आप दूर रहें तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियोस को अभी लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।